मम्मी पापा समझते कि यार ये तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो बस सिर्फ अपना 11 12 करेगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ही है। अरे हमारे अंदर शक्तियां हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हमें तो CA बनना है, हमें CMA बनना है, हमें CS बनना है, हमें MBA करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अरे 11 12 में थोड़े ही कुछ रखा हुआ है, ये तो पढ़ना ही था, सभी पढ़ते हैं। मजा तब आएगा जब हम थोड़े बड़े बन जाएंगे। पता CA बनने के बाद, CMA CS बनने के बाद कितने बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर में जो टॉप पोजीशन होता है, टॉप पोजीशन जहां पे बड़े बड़े लोग काम करते हैं, वहां पर सिर्फ CA CMA CS MBA होते हैं। ये चार डिग्री जो मैंने बताया, CA CMA CS MBA, हमें इनके तरफ आगे दौड़ लगाना ही पड़ेगा। अगर सचमुच में मन करता है कि यार कुछ मुझे पाना है, मन करता है कि मैं भी दुनिया से आगे निकलूं, लोग मुझे देखें और कहें कि हाँ देखो ये ऐसे जा रहा है, ये वो आदमी है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। डिग्री अपने साथ जोड़नी ही पड़ेगी। अगर डिग्री आपके साथ नहीं जुड़ी, आपकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चे, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके नाम के साथ CA CMA CS या BCom जुड़ गया, तो आपको नहीं पता आप कहां जाओगे, आपको नहीं पता इस नाम के जुड़ने के बाद आप कहां जाते हो। और अगर इस आपके नाम के साथ CA CMA CS या MBA इनमें से कोई भी एक नाम अगर नहीं जुड़ा, तो आपको नहीं पता आप कहां पे जाओगे, ये भी नहीं पता। इसलिए कॉमर्स में आने का मतलब सिर्फ 11 12 क्लास पास करना नहीं है, कॉमर्स में आने का मतलब सिर्फ आपको अपने अंदर में उस आग को भरना है, जिस आग को भरने के बाद आप वहां तक जाने की बात करते हो, CA CMA CS MBA, हमें यहां पहुंचना है, यही। और हाँ, MBA कहीं से, यानी कि कहीं से कर लें, IIM पढ़ा हुआ, IIM आपका बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़े हुए वहां से करेंगे, तब जाके वैल्यू क्रिएट होगी। करोड़ों रुपए मिलते हैं पैकेज, करोड़ों रुपए, अगर ये डिग्री में से कोई भी डिग्री आपके पास आ गया तो। क्या समझते हो, लाइफ पूरे खानदान को आप चेंज कर दोगे, पूरे खानदान को। लेकिन बढ़ो तो कम से कम एक बार, देखो तो। कई सारे बच्चे डरते कि यार ये तो बहुत टफ डिग्री है, ये नहीं होगा, कुछ नहीं टफ होता। ये टफ का और सिंपल का जो फर्क है, ये इसी 11 12 क्लास में आप क्लियर करोगे। अगर 11 12 क्लास का कॉन्सेप्ट आपका डीबेस्ट हो गया, अगर आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप किसी भी डिग्री को सिलेक्ट करो और उसमें आप आगे ना बढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे खराब होते ना बच्चे, 11 12 क्लास में, और इसी का भुगतान हमें आगे भुगतना पड़ता है। तो आप वो काम नहीं करना, प्लीज आप नहीं करना। आपसे बात करने का सिर्फ मकसद इतना है कि आपके अंदर में एक सीरियसनेस है, एक अच्छा संस्कार है कि नहीं जी मुझे कुछ काम करना है बड़ा। एक जब तक सपना नहीं देखोगे बड़ा बनने का, तब तक बड़ा नहीं बन पाओगे।